हेलो दोस्तों, जय माता दी। और हमारे ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और देखिए, सुबह का टाइम है, हम पूजा कर रहे हैं। और दोस्तों, पहले दिन नवरात्रि को तो बहुत ही ज़्यादा ही टाइम लग गया था, इस वजह से हम ब्लॉग नहीं बनाया है। आज नवरात्रि का 3रा दिन है दोस्तों। और देखिए, कुछ इस तरीके से माता का कलशा हमने बैठा रखा है और यहाँ पे मेरा मंदिर है। और दोस्तों, कौन कौन माता का पूजा करता है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और जो मुझसे जितना हो सका मैं अपना उतना करती हूँ, और इसको कम ना बोला जाए। जो अगर दिल से भगवान का पूजा किसी भी तरीके से करता है तो उसको भगवान पूजा लेते ही है। कोई बड़ा छोटा पूजा नहीं होता, पूजा तो पूजा होता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं माता का किताब पढ़ रही हूँ, दिया जला ली थी, अब माता का किताब पढ़ रही हूँ। और उसके बाद किताब मैं पढ़ ली हूँ तो फिर यहाँ पे दुर्गा जी का वो अस्थि पढ़ रही थी। और दोस्तों जो है, यहाँ पे मैंने भोग लगा भी लिया, फूल भी चढ़ा दिया था, और उसका वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी, तो इसके वजह से दोस्तों माफ़ करिएगा। और यहाँ पे मैं माता का किताब पढ़ रही थी, हाँ, क्योंकि दोस्तों माता का वो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना होता है और दुर्गा चालीसा भी पढ़ना होता है। तो जिसको आता होगा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने, वो तो करता होगा। जिसको नहीं पढ़ने आता होगा तो वो नॉर्मल से भी पढ़ता है। जो जिसको नहीं आता पढ़ने, बिल्कुल ही नहीं पढ़ने आता, वो भगवान का पुस्तक खोल करके हर पेज पलट करके पैर छू के रख दे, तब भी समझ लीजिए पढ़ा ही हुआ है। और दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ माता रानी का। और यहाँ पे मेरी सारी पूजा की काम हो चुका था और मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। मैं गई हूँ सूर्य भगवान को आरती घुमाने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके का, क्योंकि बहुत ही पाँच बज रहा था उस टाइम। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं भगवान का भोग लगा ली हूँ। किसको किसको प्रसाद खाना है वो लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट में। और हाँ दोस्तों, और देखिए, मैं भगवान को आरती बाहर से घुमा करके आ गई हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कपूर डाल रहे थे प्लेट में और अब आरती पढ़ेंगे। और यहाँ पे वो भगवान का पानी से आचमन कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, मेरी वीडियो कोई नहीं देखता, लाइक शेयर भी नहीं करता है दोस्तों। मेरा भी सपोर्ट करिए आप लोग। और मैं भी उम्मीद करती हूँ, माता रानी से प्रेयर करती हूँ, आप लोग भी खुश रहिए और अपने अपने परिवार में मस्त रहिए। माता रानी किसी के ऊपर भी जो संकट हो कट जाए और संकट टल जाए, और सबको नवरात्रि में अपनी कृपा बरसाए रखें। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, मेरा पूजा संपन्न हुआ। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। आप लोगों से